कोई समाधान करो कि आप जाओ क्यों हो, आप जाओ क्यों, समाधान करो। तुमने मरे की भी फीस ली है, मरे की भी फीस ली थी। सवा 9 बजे घर की चीज, 11 बजे खून क्यों माया नहीं बताऊ किसका ड्राइवर खून ऑनलाइन मैंने गवर्नमेंट आईडी है छोटे छोटे पंडो आसू। अरे अपन तो काम करना हो करो, इन्हें कर लिया अपना काम मीटिंग में क्या बताओ, पहले दे दो डॉक्टर साहब जवाब, दे दो आप कैमरे में लाइव दे रहे हो, बताओ आप इतनी देर से सबकी बातें सुन रहे हो, पहले आप जवाब दे दो ना, अगर आप सही हो मैं सही हूँ मैं जवाब दूंगा, आप जवाब दे दो, आप जवाब ही नहीं दे रहे। सच्चाई को एक्सेप्ट कीजिए, 11 बजे आ जाओ, 11 बजे पेमेंट करके आए ऑनलाइन। आशु कहाँ गए, बुलाओ आशु को, दिखा तेरा फोन, 11 बजे ऑनलाइन पेमेंट करके आए, 11 बजे पूरे 11:30 बजे पहुंचे आज जी खून लेके, वो किस चीज का चढ़ाया है बताओ। नहीं डैड जी तो क्यों चढ़ाया, सैंपल की चीज का लिया, हमने 4 घंटे रिक्वेस्ट करी कि आपके पास का तो आप हट गए नहीं, जिंदल ट्रांसफर कर 1 घंटे में ब्लड दिया, 1.5 घंटे में अगलों ने, नहीं सैंपल की चीज का लिया। देखो जी आप, देखो जी 9:50 पे उन्होंने पहले फीस कटाई है, हाँ। फिर ब्लड दिया उन्होंने 1 घंटे बाद, फिर मैं लेके आया हूँ। या देखो आप बताओ, अरे बड़े चोर है ये, बड़ा चोर ये छोटा फिर करेगा चोर तो, उसमें भी बिल बना बना कर रखी है, तो आप समाधान करो, नहीं मैं करा समाधान चलो, इन जवाब ही नहीं है, संतुष्ट संतुष्टि नहीं कर रहे दो, संतुष्टि जनक जवाब तो दिलाओ, एक मिनट आपको जवाब भी देंगे, सारे काम होंगे। नहीं बोला रहे, दिया ही नहीं सर, 1 घंटे से हम बैठे, ये तो सुनो गए बैठे, ये तो जवाब ही नहीं दे रहे। कबूतर बैठे तो 3 बजे डिक्लेयर करता दिनों बैठो बीमारे बने 10 बजे नहीं करिए चक्कर में, एक बच्चा होते 2000 मांगे भर्ती हमने, पैसे की चिंता ना करो, बच्चा डरता तो राजी होने चाहिए हमारे, कोई बोल नहीं मांगे बच्चा हमारे भाई, ऐसे हमारे 6 बजे का डिक्लेयर बना 3 बजे और भी थारे का कहा है वो आंटी जी, कहा है वो, बुला लो आ जाओ एक बारी, आप बताओ भाई। राम राम सारे भाइयों ने, गोस्वामी हॉस्पिटल हिसार के अंदर आ रहे हैं भाई, सुबह के 4 बजे आए थे, अपने एक बहन अपने बेटी नॉर्मल डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल के अंदर आती है इलाज के लिए, चेकअप के लिए आए थे, नॉर्मल चेकअप के लिए हॉस्पिटल के अंदर आते हैं, उसके बाद हॉस्पिटल वालों का जो काम होता है वो ये अपने पैसे लेना, ठगना, गरीबों का खून चूसना, वो इनकी एक चैन सिस्टम होता है वो इन्होंने स्टार्ट कर दिया।
जब ये आप बताओ मेरे को थोड़ा सा, आपने ज्यादा पता है, आज रो ना कोई बात को नहीं, कार्रवाई करांगे अपन। बताओ क्या होया था? मैं लेके आई भाई, मेरी बहू ने चेक कर दो। आपकी बहू थी? हाँ ठीक है, दिक्कत क्या है ये देख लो। ठीक है, तो यूं बोली भाई के नाम है, चलो मैं देख लेती हूँ। बोली क्या दिक्कत है? मेरी थोड़ी सी भी खावा कम है और थोड़ा खावा जब उल्टी कर देवा। ठीक है, कुछ तो पच जाओ, कुछ कौन पचा है। तो ये नु बोले ठीक है, टेस्ट करवाने पड़ेंगे। तो मैंने कहा भाई टेस्ट करवा लो आप, कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं है। टेस्ट करवाने तो यहाँ दे दिया इन्होंने, और हमने लेके ऊपर ऊपर से ही सैंपल लेके आए हैं टेस्ट के लिए। सैंपल लेते ही इन्होंने मतलब बच्चा पेन, मतलब जो डिलीवरी पेन हुआ है उनके लिए उन्होंने मतलब वो दवाई रख दी शरीर के अंदर, हाई डोज दवाई रख दी इन्होंने। अगर पेन ही नहीं है तो दवाई क्यों रखी? भाई जब कहने का मतलब ये है, जब इनके बहू जब हॉस्पिटल में आई है चेकअप करवाने के लिए, तो उसके बाद जब अगर ये नॉर्मल बता रहे हैं तो उसके नीचे हैवी डोज दवाई रखने की क्या जरूरत थी? और सबसे बड़ी बात भाई, इन्होंने इतना मतलब फद्दू वड़ा सिस्टम करा हुआ है इस हर शहर के अंदर, मतलब आईसीयू के अंदर थी ना पहले नॉर्मल, उसमें थी उसमें प्रसूति में ऊपर, उसके अंदर भाई इन्होंने क्या करा है, पैसे ले रहे हैं और रसीद का कोई सिस्टम नहीं है, और ना इनके डॉक्टरों के पास जवाब है। अभी आपको लाइव लेकर चलूंगा मैं, अरे लाइव पूछते इनसे। डॉक्टर साहब बताओगे, आपको देख रहे हैं सारे, आप हमको यो बता दो कि जब बंदा जब ट्रीटमेंट के लिए, आपने रसीदे क्यों नहीं दी इनको? आप पैसे लेते गए और रसीद क्यों नहीं दी? मैं डॉक्टर का प्रतिनिधि हूँ। ठीक है जी, प्रतिनिधि के माध्यम से ही दोनों के बीच की बातें सुनने के लिए आया हूँ। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि आपके साथ में आए हो। नहीं सर, मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, इतना बड़ा हॉस्पिटल है, सारा मैनेजमेंट है, जब आप पैसे ले रहे हो तो उसकी रसीदे क्यों नहीं दी गई? कितने रुपए ले लिए भाई? कहने का मतलब ये भाई, इनके इनका ना जो भी फंसा ना घर का सदस्य है, जो बेटा आ गया, भाई आ गया, पापा आ गया, उससे 1000 ले लिए, 2000 ले लिए, और सबसे बड़ी बात उससे भी ले लिए इन्होंने, उनको रसीद नहीं दी। और डॉक्टर साहब के पास कह रहे अभी तक न्याय करेंगे, आप न्याय कब करोगे जी? जब इस दुनिया तो वो तो छोड़ के चली गई, कब न्याय होगा? अब हमने उसने आएगा, हम करा भी के होगा? हमने तो इस बात का जवाब दे दो कि गरीबों का खून चूसने के लिए गए जी, ये बता दो हमने तो। इनायड़ा कस्टमर वापसी नहीं भेजना, वहीं की वहीं रखना है, पैसे कहीं ना देना है। हां जी, मेरे ख्याल से पुलिस यहां पे है, डॉक्टर के खिलाफ आप जो है ना, कोई बात को नहीं, हमारे खिलाफ करवा लेंगे, हमारे खिलाफ हम के करांगे, ना हमार क्यों देंगे, ना ये कोई बात को नहीं, कोई बात को नहीं, सब्र करो, ना डॉक्टर साहब कुछ बताए भी नहीं, आप नए आपका नए तो कंप्लेंट करावा, नए बात सीधी सी बात है, करानी पड़े कंप्लेट, टीम को राजू चेहरा देख लियो और बता दो क्या बताओ कबूल कर रही है डॉक्टर भाई, कोई दिक्कत नहीं, हाँ कबूल करवाओ, वो डॉक्टर नहीं, कहा गायब है वो डॉक्टर,
अरे कबूल करवाओ, जो गलती करी उन्होंने वो कबूल करवा दो। कबूल कराओ, माफी मांगो। हाँ मैंने सजा भी कौन करे, कबूल करवाओ ये बात। जो गलती करी है, जो मैं कह रही हूँ गलती करी है। तो बता रहे, आप बता रहे भी नहीं हो, आप तो संतुष्ट नहीं कर रहे हो। डॉक्टर नहीं भागी, वो कहाँ गई? दो बार भागी वो, पैसे के लालच में लालच में लुक जाएगी, परसों लुक जाएगी, कदर कदर मिलाई वजह से। तो पैसे का पैसे हमें रिपोर्ट भी नहीं करेंगे, पैसे का दम का छूट जाएगी उसका, कुछ भी नहीं बढ़ना उसका। हमने पता इतने पैसे उसके पास में, हम तो उसको मशीन में भी खड़े करी सैकड़ों में। आराम का पैसा आता है इनके, तो ये किसी को मार देते ऐसे ही। एक अल्ट्रासाउंड 1200 रुपए का हुआ, यहाँ 1000 रुपए का भी हुआ। वो छोटा जी ना मैं बताऊँ कमाई की बता रही हूँ, कहा तो हमारा तो इतना कोई नहीं हो काम। ऐसा है कई डॉक्टर साल में एक बार हादसा ऐसा होता रहता है और उनकी शिकायत होती है। हादसा नहीं है डॉक्टर साहब, ये हादसा मत बताओ आप, ये मर्डर है डॉक्टर साहब, कत्ल है, ये मर्डर है कत्ल है। आप हादसा मत बताओ उसको, कत्ल है ये मर्डर है। सीएमओ के यहाँ उसकी शिकायत जाती है और सीएमओ का कल परसों आई, जब भी मैडम वो आए भुगत मर्डर है डॉक्टर साहब, ये मैडम को आई थी मैं जिस दिन मेरी के लेके आई, उस दिन भी मैडम वहाँ सिवल में कई डॉक्टरों को सजा हुई है, कई डॉक्टरों को सजा हुई है। तो आपके खिलाफ हो जी इनका, ठीक है हरकत हो चल कलम लिखवा देते हैं। आप लिख के दो मैडम से गलती हुई है, गलती हुई है, 300 का मुकदमा दर्ज करवाओ, लिख के दो आपने। ये तो आया 9 बजे, ये लिख के दो, ये साइन कराओ, 9 बजे खत्म हो रही, सॉरी फिर जान करो बोले उठना ठीक है। 7 बजे वो अपनी बहन एक्सपायर हो जाती है और उसके बाद 11 बजे 12 बजे तक तो ये ब्लड मंगवा रहे हैं। सोचने वाली बात है, 9 बजे 10 बजे फीस जमा करवा रहे हैं, 1:30 बजे तक ब्लड टेस्ट की, उसके बाद तो मतलब 9-10 बजे के एक्सपायर होने के बाद भी, उसके बाद भी फीस जमा कर रहे, कह रहे पैसे लाओ पैसे लाओ पैसे लाओ। ये इन्होंने भाई खोल रखा है धंधा, ठीक है पैसे कमाने का, खुद की बना ली कोठियां, खुद ही मतलब गरीबों का खून चूस के सारा सिस्टम इन्होंने कर दिया खराब। है इन्होंने इन्होंने इस चीज से कोई मतलब नहीं है। डॉक्टर होते हैं भगवान का रूप, ठीक है डॉक्टर होते हैं भगवान का रूप, हम मानते हैं मान सम्मान करते हैं, लेकिन जब आज अब वो सिस्टम खत्म हो चुका है, अब पहले दिखता है इनको पैसा, आज लूट मार मचा रखी है। हॉस्पिटल में पैर रखने से पहले कहते हैं भाई 2000 लाओ 4000 लाओ 10000 लाओ, और इसके बावजूद भी डॉक्टर साहब तो कह रहे कि रसीद आप हमने तो यूं बता दो जी, हमने रसीद क्यों नहीं दी आपने, आप बता दो कैमरे के अंदर सबका एक ही सवाल, आपने रसीद क्यों नहीं दी? डॉक्टरी वो पैसे मांगने वाली डॉक्टरी गायब होगी आज। जो भी परिवार का सदस्य फंसा, आपने 1000 ले लिए 2000 ले लिए, रसीद क्यों नहीं दी? आप लिखो, आप साइन करो, प्रधान होने नाते हमारे साथ। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि हमें तो उस बच्ची को बचाने के लिए हम लगे हुए थे, रसीद इसीलिए नहीं दी। कोई है सेटिस्फाई वाला जवाब? ये संतुष्ट हो सकता है कोई जवाब से? सारा हॉस्पिटल का मैनेजमेंट स्टाफ रिसेप्शन सब मतलब उसको बच्ची को बचाने के लिए लगे हुए थे, इसलिए इन्होंने रसीद नहीं दी, इसलिए इन्होंने रसीद नहीं दी। मतलब कितना मतलब हो गए संतुष्ट? हो सकते है क्या कोई इस बात से संतुष्ट कि भाई सारा हॉस्पिटल उस बच्ची को बचाने के लिए लगा हुआ था, इसलिए इन्होंने रसीद नहीं दी? कितने एक रुपए ले लिए होंगे जी आप सब बिना रसीद के? और सब नॉर्मल चेकअप के लिए बच्ची यहाँ हॉस्पिटल में आती है, उसके बाद उसको जबरदस्ती उसके मतलब 2 पैसे बनाने के लिए अपने उसको डिलीवरी उसकी कर दी जाती है खुद के 2 पैसे के चक्कर में, और आज उसके अपनी बहन की आज जान चली गई। कितनी शर्म की बात है, खुद के 2 पैसे बनाने के लिए उसकी नॉर्मल डिलीवरी मतलब सीएमसी हॉस्पिटल के अंदर इन्होंने रिपोर्ट कितने तारीख की थी? वो 20 तारीख को होनी है, 20 तारीख लास्ट डेट उन्होंने दे रखी थी। यहाँ ये चेकअप के लिए आते हैं और उसके बाद वहाँ दवाई रख के एविडोज उसको रख के और पेन शुरू कर दिया। मतलब कितनी शर्म की बात है ये। और भाई वीडियो ने शेयर मार दियो दबा के, हर हॉस्पिटल के अंदर हर जगह धंधा बना रखा है, हर जगह लूट मार मचा रखी है, कहीं कोई बच्चा मर रहा है, कहीं किसी की बेटी मर रही है, कहीं किसी का आदमी मर रहा है। थोड़े दिन पहले वो पारद हॉस्पिटल में मान हॉस्पिटल में वो बच्चा एक्सपायर हुआ था, तब भी उस डॉक्टर का कुछ नहीं बिगड़ा। अरे क्यों नहीं बिगड़ा? क्यों भाई सब चलता है, इसकी माया भाई, इसीलिए कुछ नहीं बिगड़ा। नहीं जी डॉक्टर साहब एक काम करो, हमारे सिर्फ कितने ही ले लो, मान कोई बच्ची दे दो,
अच्छा ऊपर कोई बच्ची दे दो बाजे कुछ भी दे दो कुछ भी जान मांगनी दे जा आ जाओ इनके पास कोई जवाब नहीं भाई कम नहीं कोई जवाब नहीं अरे क्या कुछ नहीं है सुनो रे ये सुनना हो रहा गुंगा हो रहा नहीं बोलो कुछ भी चोर के बोले चोर बोले करे कोई के चोर चोरी करो बोले जवाब ही नहीं है ये के बोले के भाई जवाब दे हमारे साथ के दे दो हमारे अखबार में के लिखो सारा साहब आप सारा करते हो अखबार में ये न्यूज़ दोगे नु बताओ सारा कंट कमीशन जाए सारा पैसा कमावे बेटा को जाए पैसा कमावे कमीशन जाए आप लोग जाए ये दो भाई अपना साथ आ रहे तो आप लोग बोल नहीं पड़े जी मैं 10 दिन पोस्ट ग्राम पोस्ट मैडम ग्राम पोस्ट मैडम जाऊंगा सारी की सारी खत्म हो रही है आप भाई ना मिला रखे रहो भी ना एक सर्टिफिकेट नहीं है खत्म हो रही गुंडिया खत्म हो रही है आज भी सही है याद भी सही आ गया कि 20 दे दो रिपोर्ट तो इनका खुद बनानी है टेस्ट रिपोर्ट तो इनका खुद दिखानी है कि तरह के गल करके सही है नहीं हो रही नहीं कोनी बात तुम डॉक्टर रिपोर्ट आज रात को ग्राम आगे हिंदी नहीं ग्राम कोनी बात नहीं ना मैं पिछली मतलब मैंने 20 13 नया वो लग गया 18 नया एक एक नंबर का मैंने 20 ने इसका अल्ट्रासाउंड करवाया अल्ट्रासाउंड करवाया तो मतलब उसकी नहीं भाई डिलीवरी कर लिए यहां जगह ना बेटा कहां है तुम्हारा एड्रेस बताओ उस दिन भी मैंने देख लिया भी इनका यही लालच है और वही लालच आज इन्होंने अपने अंदर से निकाल दिया पहले पूछ लिया जी गोश्यामी और मेंटल दिखा दी दवाई दे दे क्यों बोल दो तकलीफ मेंटल हो गयो बाउल हो गयो जख्म सांस की शिकायत खाते लिया शिकायत वो कोई शिकायत ही को नहीं आज कुछ थी को नहीं अपने मर्जी से चेकअप करवाना आई थी मैं क्या डिलीवरी करने कराई थी पार्टी मोड भरी लेके डिलीवरी तो कराने आ जाओ इनका कोई जवाब नहीं है मैं रिपोर्ट लिखवा दो पहले लेके जा चलो घटा घंटा खा गन मरे डाने हां जी बदला के समाधान करो मैं कहां समाधान करो चले वाले तो